ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशंस ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर। मैंने आपको बता दिया है कि फूरियर सीरीज में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, कंडीशंस ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। कुछ बातें रिकॉल करना जरूरी है यहाँ पे, इसको रिकॉल कर देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो रिकॉल ये करना है कि आपको पता है कि जो फूरियर सीरीज है वो क्या होता है, एक्सपेंशन। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं। सिग्नल को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि आपको एक सिग्नल होगा जिसको आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। x of t होगा, ठीक है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने टाइप्स देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, देन इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। देन आफ्टर हमने एक चीज और नोट किया था डेफिनेशन वाले पार्ट में कि जो x of t जो सिग्नल होगा ना वो पीरियोडिक सिग्नल होगा अंडर सर्टेन कंडीशन, that condition that we have to discuss, okay? मतलब periodic signal तो होगा और लेकिन वो certain condition के लिए, certain condition के अंतर्गत वो क्या होगा, उसका expansion होगा। तो ये बात को जान के चलो कि almost जितने भी signal आपको Fourier series में दिखने वाले हैं, जो x of t जिसको आप कहते हो, वो क्या होगा आपका periodic ही होगा, ठीक है। तो periodic में दो तरह का signal है, एक तो waveform भी होता है, मतलब एक सिग्नल का वेवफॉर्म भी होता है और एक नॉर्मल सिग्नल भी होता है। x of t is equals to sin cos के टर्म में एक क्या होता है आपका वेवफॉर्म होता है। और एक और बात, ये चीज तो क्लियर हो गया कि दो टाइप में होगा x of t। सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो x of t है वो एक तो इसका अलजेब्रिक फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म या इक्वेशन फॉर्म कह दो। दूसरा क्या होगा आपका, इसका होगा एक वेवफॉर्म, ठीक है। ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अलजेब्रिक फॉर्म वाले के लिए तो आपको मैंने टाइप्स बता दिया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फूरियर सीरीज भी था और आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन भी था। और ट्रिग्नोमेट्रिकल और कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, जो कि टाइप टू था, टाइप नंबर टू था। और वेव फॉर्म जो होगा ना, और ये जो एक्स ऑफ पी होगा पूरे पीरियोडिक, पूरे फूरियर सीरीज में आप क्या लोगे इसको, पीरियोडिक लोगे। क्या लोगे, पीरियोडिक ही लोगे, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं बट 90% केसेस में। और उसके लिए ही केसेस बहुत सारा कंडीशंस बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। तो जो कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं ना, कंडीशन जो पढ़ते हैं वो कंडीशन पढ़ते हैं एक्चुअली में जो वेवफॉर्म वाला जो पार्ट है ना उसके लिए, क्योंकि अलजेब्रिक और इक्वेशनल फॉर्म का जो आपका एक्सपेंशन निकालने का तरीका है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। सीएन के थ्रू हम लोग निकाल पाएंगे किसमें, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्जेब्रिक फॉर्म का जो सिग्नल है उसका तो एक्सपेंशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, दैट इज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू समेशन n माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी cn e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, उससे तो हम लोग फाइंड कर लेंगे आपका। लेकिन जो वेवफॉर्म होगा, जो वेवफॉर्म होगा उसके लिए तो कुछ रूल होना चाहिए ना, कुछ वे होना चाहिए ना कि आपको पीरियोडिक सिग्नल वेवफॉर्म, पीरियोडिक वेवफॉर्म दे रखा है, आप कैसे फाइंड करोगे और कैसे बताओगे कि ये सिग्नल पीरियोडिक है और इस प्रोडिक्ट होने के बाद भी इसको हम लोग किस तरह से इसका एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। कुछ रूल्स के थ्रू गवर्न तो होता ही होगा। तो कुछ रूल्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। जो कंडीशंस ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जनरली इज फॉर द वेवफॉर्म, पीरियोडिक सिग्नल का जो वेवफॉर्म टाइप होता है ना उसके लिए होता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिकलेट कंडीशन। क्या कहते हैं, ड्रिकलेट कंडीशंस, ठीक है, ड्रिकलेट कंडीशन कहते हैं। ड्रिकलेट कंडीशन में क्या होता है कि पीरियोडिक वेवफॉर्म के लिए हमको कुछ तरीका बताया जाता है, कुछ वे बताया जाता है जिस वे के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, उसका फाइंड कर सकते हैं फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, तो द कंडीशंस ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में ड्रिकलेट कंडीशन होना चाहिए, मतलब पीरियोडिक सिग्नल ड्रिकलेट कंडीशन को फॉलो करना चाहिए तभी जाकर उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा, ये कहना गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक सिग्नल, हर पीरियोडिक सिग्नल ड्रिकलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करे तभी उसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो पीरियोडिक सिग्नल ड्रिकलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे वो उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, एक्सेप्शन से बताया जाएगा पहले, लेकिन जो पीरियोडिक सिग्नल ड्रिकलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसा पीरियोडिक सिग्नल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे फिर भी उसका एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, मतलब ये भी जो अकॉर्डिंग टू दिस मिस्टर, ये जो मिस्टर है ड्रिकलेट, मिस्टर ड्रिकलेट, इनके हिसाब से क्या कहा गया फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखने के लिए पीरियोडिक सिग्नल के लिए, कि सिग्नल जो होता है ना, यानी सिग्नल का जो वेवफॉर्म होगा, पीरियोडिक सिग्नल का जो वेवफॉर्म होगा
उसके पास यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे वेवफॉर्म हर जगह लिखा है। रीजन क्या है कि दिस कंडीशन इज टू एक्सप्लेन द वेवफॉर्म टाइप ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। There is a two type of signal. One is x of t, another is also x of t. But one x of t is a algebraic or equational form. Another x of t is a waveform. ठीक है, waveform type. ठीक है. तो उसके लिए हमने यहाँ waveform लिख दिया है कि आपको convenience हो, आपको समझने में आसानी हो. तो signal waveform should have finite number of maxima and minima. मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके पास finite number of maxima और minima होना चाहिए over range of time period. ये important है. मतलब एक time period t naught में ये क्या शुरू बोलते हैं FTP. फंडामेंटल टाइम पीरियड के बी दरमियान उसमें जो सिग्नल का जो वेवफॉर्म होगा उस वेवफॉर्म में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। एग्जांपल नंबर वन, यू कैन सी दैट देयर इज अ वेवफॉर्म दैट इज एक्स ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड है, ये क्या है एफटीपी है आपका, एफटीपी है। तो यहां से यहां तक के टाइम में देखिए यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा, एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिनिमा, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि सिर्फ फाइनाइट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमा अगर चार भी हो, मिनिमा अगर दो भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर क्या होना चाहिए उसका फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ध्यान में रखिएगा, दैट कंडीशन इज के आपका जो क्या बोलते हैं टाइम पीरियड में होना चाहिए, मतलब एक टाइम पीरियड के रेंज में होना चाहिए। मतलब अगर इस या एक टाइम पीरियड के रेंज में अगर नहीं होगा देन दिस कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड। ठीक है, तो ये जो x of t एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये क्या है आपका पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक सिग्नल का fs एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आपका क्या है पॉसिबल है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, यू कैन सी दैट देयर इज अ वेवफॉर्म ऑफ x of t सिग्नल व्हिच इज अ पीरियोडिक इन नेचर आल्सो, बट देयर इज अ बट द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज नॉट फाइनाइट इन दिस केस। सो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे देखो कहाँ पे गिन होगी, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा, मैक्सिमा, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका टी नॉट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा है, लेकिन इसका नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, कहेंगे ये पीरियोडिक तो है बट इसका डिरिचलेट कंडीशन को सर्टिफाई नहीं करता है, इसलिए क्या होगा इसका एफएस एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, एफएस एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये दो तरह के, एक तरह की बात हुई, एक कंडीशन होगा जहां पे एक वेवफॉर्म होगा, उस वेवफॉर्म का उस वेवफॉर्म का आपका जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो नंबर है वो फाइनाइट होना चाहिए एक टाइम पीरियड के रेंज में, एक टाइम पीरियड के रेंज में फाइनाइट होना चाहिए, दूसरे टाइम पीरियड के रेंज में फिर फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। यहाँ पे आप मैक्सिमा कितना है मिनिमा कितना है आप फाइंड नहीं कर सकते हो एक एक टाइम के रेंज में। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका जो एक्सपेंशन है ये भी पीरियोडिक है लेकिन इसका एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ सी द सेकंड कंडीशन ऑफ मिस्टर डिरिचलेट, ये कहते हैं कि जो सिग्नल उसका वेवफॉर्म होगा ना उसका जो डिसकंटिन्यूटी का जो नंबर है ना, दूसरा कंडीशन ये कहता है साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो डिसकंटिन्यूटी का जो नंबर है ना वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब सिग्नल वेवफॉर्म शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओवर अ रेंज ऑफ टाइम पीरियड एज वेल एज साइज ऑफ डिसकंटिन्यूटी शुड आल्सो बी फाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम रेंज में सिग्नल के वेवफॉर्म का क्या बोलते हैं आपका सिग्नल के वेवफॉर्म का डिसकंटिन्यूटी का नंबर भी क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए और साइज ऑफ डिसकंटिन्यूटी शुड आल्सो बी फाइनाइट। डिसकंटिन्यूटी का नंबर ही फाइनाइट होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ साइज भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका फाइनाइट होना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर वन को जरा देखें आपको तो समझ में आएगा कि यहां पे देखिए यहां पे डिसकंटिन्यूटी तो है बट ये क्या है फाइनाइट है और फाइनाइट है। ठीक है, और उसका जो साइज है वो भी क्या है सेम है, मतलब ये साइज क्या है सेम है, तो इसका एफएस एक्सपेंशन क्या है आपका पॉसिबल, fs expansion of this x of t is possible. Now see the next example. ये example को आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी discontinuity की number क्या है? Finite नहीं है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, discontinuity का मतलब finite भी नहीं है और size of discontinuity is also not finite. So fs expansion is not possible. fs expansion is not possible. ठीक है, तो सिग्नल का वेवफॉर्म के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होना चाहिए, उसके बाद
उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो साइज ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो भी क्या होना चाहिए आपका, फाइनाइट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एफ एस एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि डिक्लेयर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक सिग्नल का एक्सपेंशन लिखा जा सकते, और हर सॉरी ये जरूरी नहीं है कि सारा पीरियोडिक सिग्नल डिक्लेयर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी एक्सपेंशन लिखेगा, ऐसा नहीं है। कुछ डिक्लेयर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं भी करेगा फिर भी उसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, ठीक है। बट ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, जनरली 90% 99% केसेस में इस कंडीशन को मद्देनजर आपको क्या करना पड़ेगा, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड लॉ जो है, थर्ड जो रूल है, थर्ड कंडीशन है मिस्टर डिक्लेयर्ड का, वो ये कहता है कि सिग्नल के पास सिग्नल जो होना चाहिए, सिग्नल वेवफॉर्म जो होना चाहिए वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। कहने का मतलब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, इतना लंबा वर्ड याद करोगे क्या, याद रखो कि इसका एरिया क्या होना चाहिए, फाइनाइट। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब तो ये होता है ना कि एरिया ऑफ द वेवफॉर्म शुड बी फाइनाइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज द सिग्नल वेवफॉर्म शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको मैशअप कर देते हैं एक बार। मैशअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फ्री से शुरू से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या कहता है, मिस्टर डिक्लेयर्ड ने कंडीशन दिया पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर सीरीज एक्सपेंशन को लिखने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक सिग्नल डिक्लेयर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी उसका एक्सपेंशन लिखाया जाएगा, बट 99% कंडीशन में ये जरूरी है। बाकी 1% कंडीशन के लिए एक्सेप्शन है, इसको बता दिया जाएगा। इनके अकॉर्डिंगली कंडीशन ये है कि सिग्नल का जो होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा का नंबर जो होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, सब में ओवर रेंज उस टाइम पीरियड के अंदर ही, सब में तीनों रूल में। दूसरा ये कहते हैं ये कि डिस्कंटिन्यूटी का नंबर भी फाइनाइट होना चाहिए और साइज ऑफ डिस्कंटिन्यूटी भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए सिग्नल में, और उसके बाद वेवफॉर्म का वेवफॉर्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वेवफॉर्म की एरिया जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। यही तीन लॉ मिस्टर डिक्लेयर्ड ने दिया था एक्सपेंशन को समझने के लिए, और कुछ केसेस जो हैं जिसमें इनका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है फिर भी उसका एक्सपेंशन लिखा जाता है, दैट इज एक्सेप्शन, दैट वी विल डील इन नेक्स्ट क्लास। आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस वाले कुछ केसेस, उसके बाद हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जहां पे आपको फूरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखना होगा बाय सीइंग द वेवफॉर्म। वेवफॉर्म को देखने के बाद आपको एक्सपेंशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको दो तरह की मैंने बातें बता दी। पहली बात क्या बताई कि आप उस ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉरी जो इक्वेशनल फॉर्म होता है उसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, and the second one by seeing the waveform you have to analyze, you have to apply the Dirichlet condition. If the, all the conditions will satisfied, then you can apply the expansion formula in that particular waveform type of questions. Okay, so this is about today's class. Milte hain agle class mein acche concepts ke sath, tab tak ke liye thank you.